उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खबर। आम दर्शनों के लिए अब भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान से आम दर्शनों के लिए कपाट खोले गए। मेष लगन में सुबह 4:15 पर यानी कि 4:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए। बद्रीनाथ धाम में हजारों की संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। बाबा भोले के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। बद्रीनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जयकारों से बद्रीनाथ धाम गूंज उठा। उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खुशखबरी कि आम दर्शनों के लिए बद्रीनाथ के कपाट खोले जा चुके हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ मंत्रोच्चार के साथ मेष लगन में सुबह 4:15 बजे कपाट खोले गए और इस दौरान बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम में हजारों संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और साथ ही बद्रीनाथ धाम भगवान के जयकारों से गूंज उठा। मेष लगन में सुबह 4:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए और इस दौरान बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु भी मौजूद रहे। बाबा भोले के जयकारों से बद्रीनाथ धाम गूंज उठा। एक बड़ी खुशखबरी कि आम दर्शनों के लिए बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ मंत्रोच्चार के साथ मेष लगन में सुबह 4:15 बजे कपाट खोले गए और इस दौरान बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालुगण भी मौजूद रहे। कपाट खुलते ही बद्रीनाथ धाम भगवान के जयकारों से गूंज उठा। बाबा भोले के जयकारों से बद्रीनाथ धाम गूंज उठा। पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 4:15 बजे मेष लगन में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। एक बड़ी खुशखबरी कि उत्तराखंड में अब आम दर्शनों के लिए भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान से कपाट खोले गए। मेष लगन में सुबह 4:15 बजे मंत्रोच्चार के साथ और हजारों संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बद्रीनाथ के कपाट खोले गए और जैसे ही कपाट खुले बाबा भोले के जयकारों से बद्रीनाथ धाम गूंज उठा।